हमारा ब्रह्मांड कई रोचक और अनूठी घटनाओं से भरा हुआ है। समय समय पर हो रही खगोलीय घटनाओं से हम और आप दो चार होते ही रहते हैं। कभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की तस्वीर, कभी सुपर ब्लड मून, ब्लू मून, कभी ये चांद स्नो मून बनता है तो कभी स्ट्रॉबेरी मून। ये खगोलीय घटनाएं जाहिर है इंसानी जहनियत को रोमांचित करती रही है, तो पृथ्वी से बाहर के रहस्यों को भी समझने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन 31 जुलाई 2019 में आकाश में कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसे नाम दिया गया है ब्लैक मून का। लेकिन चांद की ये तस्वीर केवल उत्तरी अमेरिका के लिए है, बाकी दुनिया में इस ब्लैक मून को देखने के लिए 30 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले ये खगोलीय घटना यानी ब्लैक मून 3 साल पहले यानी साल 2016 में दिखी थी। हालांकि ब्लैक मून के कोई खास मायने नहीं है, लेकिन समय और तारीख के अनुसार इसे एक महीने के अंदर दूसरे न्यू मून के नाम से पुकारा जाता है। चांद को अपना दरअसल एक चक्र पूरा करने में आमतौर पर करीब 29 दिन का समय लगता है, लेकिन महीनों की अवधि ज्यादा होने से हम कभी कभार 32 महीनों में 2 पूरे चांद और 2 नए चांद देखते हैं। एक महीने में दूसरी पूर्णिमा को नीला चांद यानी ब्लू मून होता है, तो दूसरे नए चांद को काला चांद यानी ब्लैक मून कहा जाता है। इसे दूसरे अर्थों में अमावस्या भी कह सकते हैं। वैसे ये खगोलीय घटना काफी कम होती है। इस घटना में दरअसल चांद धरती और सूर्य के बीच मौजूद होता है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा के पिछले हिस्से पर पड़ती है, जिस वजह से ये दूसरा नया चांद पूरी तरह काला हो जाता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। खगोल विज्ञानी बताते हैं कि लीप ईयर की ही तरह ये काम करता है, यानी कि सामान्य तौर पर ऐसी खगोलीय घटना केवल और केवल फरवरी में ही संभव है, क्योंकि इस महीने में दिन सबसे कम होते हैं और ये लगभग एक दशक यानी 10 साल में एक दफा ही होता है। अगर ये कहें कि क्या हम ब्लैक मून का दीदार कर सकते हैं, तो शायद नहीं। वो इसीलिए क्योंकि ब्लैक मून एक न्यू मून है, लेकिन खास बात ये कि ये दूसरा न्यू मून है, तभी इसे ब्लैक सुपर न्यू मून कहा जाता है। वैसे आप इस चांद को इसीलिए भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये आसमान में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। इस दौरान चांद एक सुपर मून यानी सामान्य से ज्यादा बड़े आकार का होगा, यानी चांद के पृथ्वी के काफी पास होने की वजह से चांद का आकार सामान्य से काफी ज्यादा हो जाता है। वैसे ये कहा जाता है कि ब्लैक मून के दौरान भले ही आकाश पूरा काला होता है, लेकिन ये वक्त आकाश गंगा में तैरते तारों को निहारने के लिए भी अच्छा समय है। इसीलिए अगर आप शहर से दूर और कम पोल्यूशन वाली जगह होते हैं तो ब्लैक मून देखने का ये बेहतर मौका भी हो सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।